विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ भारत के जटिल रिश्तों पर बात करते हुए कहा कि भारत अकेला ऐसा देश नहीं जो चीन के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली में एक सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे लिए सीमा पर मुश्किलों के अलावा चीन एक जटिल समस्या भी है, मगर हम दुनिया के एकमात्र देश नहीं जो चीन पर बहस कर रहे हैं। यूरोप जैसे आप पूछें कि आज उनके प्रमुख आर्थिक या राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों में क्या है, तो ये चीन ही है। अमेरिका भी चीन के प्रति बहुत ज्यादा सजग है। जयशंकर ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि भारत में चीन से जुड़े निवेशों की समीक्षा होनी चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत की समस्याएं चीन के साथ विशेष हैं, जो वैश्विक हैं और वैश्विक चिंताएं भी हैं। उन्होंने कहा कि दशकों पहले दुनिया ने चीन में समस्याओं को नजरअंदाज किया, अब सभी देशों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत को चीन के साथ एक खास समस्या है जो बाकी दुनिया की समस्या चीन समस्या से ऊपर है। इस स्थिति के मद्देनजर भारत को उचित सावधानियां बरतनी होंगी। चीन से जुड़े निवेशकों की समीक्षा जरूरी, ऐसा कहते हुए एस जयशंकर चीन से आने वाले निवेशों पर चिंता जताते हुए जयशंकर ने कहा कि सरकार की यह स्थिति कभी नहीं रही कि हमें चीन से निवेश नहीं लेना चाहिए या चीन के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन निवेश के मामले में ये समस्या समझ के चीन में आने वाले निवेशों की जाँच की जानी चाहिए। कम से कम भारत चीन के बीच रिश्तों की स्थिति इसकी मांग रखनी चाहिए। उन्होंने निवेशों की मंजूरी से पहले सावधानी पूर्वक जांच की जरूरत पर भी जोर दिया और कहा कि अन्य देशों की तरह चीन के निवेशों को भी जांच की जा रही है, हालांकि इस स्तर पर अलग हो सकता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत को केवल चीन के आने वाले निवेशों पर ही नहीं बल्कि सभी विदेश निवेशों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं निवेश और विकास के पक्ष में हूँ, लेकिन कहीं भी कहीं एक संतुलन होना चाहिए। ये बयान उस वक्त आया जब भारत और चीन के बीच व्यापारिक ताल्लुकात पर बहस जारी है, बावजूद इसके दोनों देशों के बीच सरहद पर तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।